संस्कृति संसद, चर्चा संस्कृति की, चिंतन राष्ट्र का, यही मुख्य सूत्र है इस संसद का। भारतीयता के धरातल पर राष्ट्रवादी वैचारिकी के साथ आबद्ध संस्कृति संसद भारतीय संस्कृति के प्रख्यात चिंतक दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन की स्मृतियों को समर्पित है। अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में देश भर के लगभग 400 जिलों से आए विभिन्न संप्रदायों के संत, धर्म, मातृ और युवा विमर्श के लिए एक साथ इस संसद में जुटे। जनपद वाराणसी के सिग्रा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में 3 दिवसीय 3 से 5 नवंबर तक ये आयोजन विभिन्न सत्रों में आयोजित हुआ। विद्वान संतों ने मंच से राष्ट्र चिंतन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, सनातनस्य धर्मः सनातन धर्म, और सनातन नाम परमात्मा का है, सनातनस्तम पुरुषो मतो है। भगवान का नाम सनातन है, भगवती का नाम सनातनी है। आप के सामने वेद पुराण श्रुति स्मृतियों से अनुमोदन है। इस सनातनी भगवती का विरोध महिषासुर सुमन शुंभ आदि राक्षसों ने किया, विरोध करते रहे, अंत में उनका सर्वनाश हुआ। इसी प्रकार से आज भी जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसकी भी वही गति होने वाली है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो पंचदेव की कल्पना की है, तो एक कोने पर भगवान सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर शंकर और चौथे कोने पर गणपति हूं, बीच में भगवान विष्णु स्वयं है। तो पंचदेव की कल्पना पूरी होगी। दो भुजाएं लंबी हैं, तो एक भुजा पर बीच में हनुमान जी, और जहां भगवान की रसोई बनेगी वहां माता अन्नपूर्णा का मंदिर, ऐसा ही ऊपर कोटा है आयताकार, 6 मंदिरों से परिपूर्ण होगा। मंदिर का निकास द्वार केवल पूर्व दिशा, केवल पूर्व दिशा। किसी को भी आना है तो पूर्व से ही आना होगा। बूढ़े लोगों के लिए रैंप, व्हील चेयर चल सकती है, लिफ्ट है पीछे की ओर, पश्चिम में लिफ्ट से आ सकते हैं। निकास मार्ग, मंदिर का निकास मार्ग दक्षिण दिशा, वहां पर भगवान राम के जीवन काल के महापुरुष महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, इनके मंदिरों की कल्पना है बनाए। यहां बैठा हुआ हर संत, यहां बैठा हुआ हर भारत माता सपूत आज केवल एक ही भूमिका निभा रहा है, हाँ मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान। एक ही पहचान, जब हनुमान जी की प्रथम भेंट राम लक्ष्मण जी से हुई थी, तो हनुमान जी के संदर्भ में लक्ष्मण ने पूछा कि आप कौन है भगवान, तो उसने कह दिया था हनुमान जी ने, मुझे पूछते हो? उन्होंने कहा, देह दुष्टया तु दासोऽहम्, मैं देह के स्वरूप में दिखने वाला हूं, लेकिन मैं राम का दास हूं। दास माने गुलाम नहीं, जो राम जी के भी पास नहीं वो देने की आस रखता है वो रामदास होता है। उस रामदास के स्वरूप में सभी राम सब लोग यहां पर बैठे हैं। बहुत शीघ्र ही धीरे धीरे उस महाशक्ति से हटकर भारत को एक महाशक्ति की ओर भारत बढ़ रहा है, न ताकत के बल पर न तलवार के बल पर। अगर सच मानिए भारत बढ़ेगा तो केवल एक ही बात के बल पर, यह संस्कृति संवाद और संस्कारों के बल पर।
इसलिए अयोध्या में ये केवल भगवान श्री राम का मंदिर नहीं जिसका दर्शन हम करने जा रहे हैं, ये केवल भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बल्कि एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन कराने वाला वो विचारधारा की स्वरूप भाई कहां से होगी, वो विचारधारा की संस्कार धारा की गंगा वहां से प्रभावित होगी। ये भारत 21वीं सदी का भारत, ये किसी महाभारत को नहीं चाहता बल्कि पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। अब युद्ध की नहीं बल्कि योग की आवश्यकता है। आप ये अवसर है कि प्रधानमंत्री जी को रामलला के मूर्ति का अनावरण करेंगे ही, पर प्रधानमंत्री जी के रूप में जैसे मैं कहता हूँ एक एक भगवान की जय बोलने में टाइम लगता है, पर यदि एक बार जोर से कह दो व्यवस्था की अपेक्षा आसन की अपेक्षा की है और अभी ऐसा ही होगा, इसीलिए आप इसके लिए चिंतित न रहें। दूसरी बात, राम की महिमा ही ऐसी है। देखिए गांधी जी ने भी आंदोलन के लिए राम नाम शब्द का ही प्रयोग किया, राम नाम ही लिया। इस सत्र का जो विषय है सनातन हिंदू संस्कृति के विरुद्ध बाह्य एवं आंतरिक षड्यंत्र, जिन पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बाह्य षड्यंत्रों के रूप में जहां हम इस्लामिक विचारधारा मिशनरी के रूप में धर्मांतरण की चिंताओं से परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आंतरिक जो षड्यंत्र है उनसे भी भली भांति हम परिचित होते हुए भी सावधान नहीं रह पाते। हम सभी को मालूम है कि हमारे राजनीतिक दल तुष्टिकरण की नीति के कारण सनातन धर्म पर अनेकानेक टिप्पणियां, अनुचित टिप्पणियां करते रहते हैं। हाल ही में आपने श्रवण किया होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र, और उन्होंने ये कहा सनातन हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है। लेकिन मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्टी के वे सदस्य हैं उस पार्टी का नाम ही डीएमके है, और मेरी दृष्टि में डीएमके का फुटफॉर डी माने डेंगू, एम माने मलेरिया और के माने कोरोना, उनकी पार्टी ही इसी मानसिकता है। আমরা যখন
এমন একটা অভাব আছে যেখানে রামের নাম করা, রামের পুজো করা, রামকে ভালোবাসা অপরাধ। এর কোন প্রতিবাদ যদি আপনারা না করতে পারেন তাহলে এই যুগে রাম জন্মভূমি করবার মধ্যে আমাদের ভেতরে কিন্তু পূর্ণতা আসবে না, আনন্দ লাগবে না। इस समय विशेष जो चर्चा में है वो है सनातन मूल्य, सनातन आदर्श और सनातन मूल्यों के प्रति जो एक विद्वेष भावना और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करने के कुत्सित प्रयास, और उससे कैसे सजगता हो, कैसे सावधानी हो, और हम कैसे सनातन मूल्यों को कैसे किस प्रकार से जीवन में, परिवारों में, अपने धर्म स्थलों में सर्वत्र प्रतिष्ठित करते रह पाए, ये वास्तव में वर्तमान की एक बहुत गंभीर चुनौती है। आज समय को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है, एक तरफ विधर्मी अपनी चालें चल चुके हैं, युद्ध का माहौल विश्व पटल पर निर्मित है, चतुर्दिक सनातनियों पर संकट के बादल हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जो विश्व हिंदू परिषद माननीय अशोक सिंघल जी के काल में था कि प्रतिरोधात्मक शक्ति हिंदू समाज को खड़ा करना पड़ेगा, वो लगभग 500 जो संसदीय क्षेत्र हैं, 1000 के लमसम विधानसभा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो लगभग 200 संसदीय क्षेत्र और 350 विधानसभा क्षेत्रों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए हैं। जिस प्रकार से मदरसों के पास अपने हिसाब से अपनी सामग्री, अपने सांस्कृतिक तिथि पर्व और अपनी परंपराओं को पढ़ाने का विस्तार से उनको अधिकार प्राप्त है अल्पसंख्यक होने के नाते, और उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, आज जितने भी देश में या देश से बाहर जितने भी आतंकवादी हमारे आपके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से उन मदरसों से ही वो उत्पन्न होकर आ रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सनातन संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया, बाबा विश्वनाथ का जब हम रुद्राभिषेक कर रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपको 35 वर्षों में यह याद क्यों नहीं आई कि जो कारसेवक मरे उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो हमने कहा कि श्रद्धांजलि अगर हम देते भी तो शायद वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिन कारणों से उनकी आत्मा भटक रही थी उस कारक की पूर्ति जो हुई है वह पूर्ति श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर निर्माण और उसके प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषणा के बाद ही वह कार सेवक कर सकते।